नमस्कार, जनशक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 3 अप्रैल को देशवासियों से एक वीडियो संदेश शेयर करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि कल सुबह 9 बजे मैं अपने साथी भाइयों के साथ एक छोटा सा वीडियो संदेश साझा करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी ने देश की जनता के सामने आए हों। इससे पहले पीएम मोदी ने 29 मार्च को रेडियो पर मन की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिनसे गरीबों को परेशानी हुई। सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। इसके अलावा 24 मार्च को शाम 8 बजे भी पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया था। उस दिन पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। हालांकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ किए गए अभी तक के इंतजामों और उपायों को जाना, साथ ही कोरोना को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए इंतजाम के बारे में बताया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि बिना वजह बाहर ना निकले, लेकिन सरकार की एडवाइजरी का कुछ लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और दूसरी आईपीसी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई लॉकडाउन के लागू होने में बाधा डालेगा तो उसे 2 साल की जेल भी हो सकती है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। हालांकि सरकार की एडवाइजरी के बावजूद देश भर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखे गए हैं। कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। बिहार में कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। अब इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने चिट्ठी लिखकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उधर दिल्ली के तबलीगी जमात मरकज से उत्तर प्रदेश लौटे लोगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेवर सख्त कर दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जमात के लोगों की गलतियों का खामियाजा आम लोगों को ना भुगतना पड़े। तबलीगी जमात से लौटे हर व्यक्ति को हर हाल में ढूंढ निकाला जाए और उन्हें निगरानी में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तबलीगी जमात में विदेशी हैं, उनके पासपोर्ट जब्त कर उनकी जांच कराई जाए। विदेशियों ने अगर कानून तोड़ा है तो एनडीआरएफ एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और साथ ही कहा कि जिन्होंने उन्हें छुपाया है या अवैध ढंग से किसी को शरण दी है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना महामारी से जूझती दुनिया के लिए ये खबर कुछ राहत भरी हो सकती है। उन्होंने दावा किया है कि इस महीने के आखिर तक कोरोना वायरस दुनिया में निर्णायक मोड़ तक पहुंच सकता है। कोरोना से जंग के लिए चीन की सरकार की ओर से तैनात किए गए डॉक्टर झोंग नानशान के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस का दूसरा चरण शुरू नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि चीन ने बहुत प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित की है, इससे खतरा टल गया है। जब तक हालात हमारे काबू नहीं आते मन में एक डर तो रहेगा, बिना काम किए आदमी कहां से गुजर बसर कर सकता है। झोंग ने कहा कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से संक्रमित करने वाला है और इससे मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इससे निपटने के लिए 2 तरीके हैं। एक, इसके संक्रमण की दर को एकदम कम से कम कर दो और फिर इसे फैलने से रोक दो ताकि बचाव के लिए ज्यादा समय मिल सके। और दूसरा तरीका यह है कि इसके संक्रमण में देरी कर दो और कुछ तरीके अपनाकर इसके मरीजों की संख्या को कम कर दो। झोंग का मानना है कि ज्यादा देशों ने कड़े कदम उठाए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रैल के अंत तक नए मामलों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही झोंग ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि साइलेंट करियर की वजह से चीन में कोरोना फिर से पैर पसार सकता है। देश में कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद अब भारतीय सेनाओं को भी पूरी तरह अलर्ट किया गया है। कोरोना से जंग की सबसे नाजुक स्थिति करीब आने पर चिकित्सा से जुड़े साजो सामान ले जाने के लिए वायुसेना के ट्रांसपोर्टर फ्लीट तैयार है, तो युद्धपोत भी किसी भी स्थिति में तैनाती के लिए अलर्ट पर है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना से जुड़ी सेना की तैयारियों का जायजा लिया।
सेना के 8,500 डॉक्टर भी किसी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेना के 8,500 डॉक्टर और सहायक स्टाफ भी कोरोना से निपटने के लिए सिविल प्रशासन को मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल को भी मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा एनसीसी के 25,000 कैडेट्स को सिविल प्रशासन की मदद के लिए तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा बल पहले से ही कोरोना से निपटने के लिए क्वारंटीन सुविधाओं की तैयारी कर रही है। वायुसेना को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर और नागालैंड में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए तत्काल एक्टिव कर दिया गया है। वायुसेना ने बताया कि उसके विमानों ने पिछले 3 दिनों में 25 टन सप्लाई को गंतव्य तक पहुंचाया है। वायुसेना ने बताया कि पूरे देश में मांग पूरी करने के लिए उनसे अपने सभी ट्रांसपोर्ट बेड़े को तैयार रखा है। C-17 हैवी लिफ्टर, AN-32 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट और C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को सिविल प्रशासन के आग्रह पर एक्टिव किया जा रहा है। वायुसेना और नौसेना छोटे डाइनियर विमान को भी सप्लाई से मोर्चे पर लगा रखा है। ये दोनों सेनाएं मेडिकल टीम द्वारा टेस्ट किए जा रहे सैंपल को तत्काल सही जगह पहुंचा रही है। वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा, मेडिकल सप्लाई जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैंड सैनिटाइजर्स, सर्जिकल ग्लव्स, थर्मल स्कैनर और मेडिकल कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। नौसेना के युद्धपोत भी स्टैंड बाय मोड में हैं, ताकि तटीय इलाकों में जरूरी पड़ने पर बड़े पैमाने पर सामान की आपूर्ति की जा सके। दो युद्धपोतों को पड़ोसी देशों की मदद के लिए पहले से ही तैयार रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे युद्धपोत को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पतालों के 9,000 बेड तैयार रखे गए हैं। इसके अलावा क्वारंटीन सुविधाएं देश के कई हिस्सों में काम कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश के बाद सेना चीफ जनरल MM नरवणे खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। मार्च महीने में मौसम के बनते बिगड़ते मिजाज ने सबको हैरानी में डाल दिया है। दिल्ली के इतिहास में इस साल का मार्च महीना सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग केंद्र का फरवरी और मार्च में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान गलत निकला। फरवरी में विभाग का अनुमान था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मार्च में खासा असर नहीं होगा, लेकिन मार्च में इसका ठीक उल्टा प्रभाव पड़ा। इस दौरान देश के उत्तर मध्य राज्यों में औसत तापमान 1 डिग्री से 3 डिग्री तक कम रहा। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी मानसून को लेकर वो पूर्वानुमान अप्रैल के तीसरे हफ्ते में घोषित करेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मार्च का औसत तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इस साल ये 28.4 डिग्री ही रहा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पिछले महीने 109.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की थी, जो नया रिकॉर्ड है। वहीं इस साल मार्च में रिकॉर्ड 6 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। इनसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हुई, वहीं पश्चिमी, उत्तर और मध्य भारत में बारिश भी हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड के सालाना सामान्य बारिश में लगातार कमी आ रही है। इन राज्यों में मानसूनी बारिश लगातार कम होने का ट्रेंड है, जबकि गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है जहां बारिश की मात्रा बढ़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।